जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और फिर बात करेंगे आपके करियर की। ओके, फॉर ऑल द वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बर्डन इन द रिलेशनशिप जो आप यू आर गोइंग थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी हो सकता है, येस डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि लाइक थर्ड पर्सन हो, हो सकता है कोई काम हो किसी का, या हो सकता है कि कोई लाइक कोई मदर इश्यूज हो, या हो सकता है कोई एक्चुअली में कोई किसी की लाइक कोई डील कर रहा हो, मदर ऑफ अ चाइल्ड, आप मैरिड हो ऑलरेडी, ये चीज़ें हो सकती हैं या आपके पर्सन। सो देयर इज़ थर्ड पार्टी, आप बर्डन हैं, आप हो सकता है कि येस अगेन थ्री। सो येस डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कुछ भी कुछ रीजंस हैं। कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है। मे बी मैरिज इज़ इन्वॉल्व, या हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैरिज, आप ऑलरेडी मैरिड हो, और कोई यहाँ चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप आप चाहते हैं, और हो सकता है आप येस टू ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। मुझे ऐसा लगा कि लग रहा है कि ऑलरेडी कोई यहाँ मैरिड है, या यूँ कह लीजिए आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो, और होपलेस फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, या कोई आप ऐसा चाहते हैं जो आपको इक्वली ट्रीट करे, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेके बर्डन है आप। हो सकता है कि कोई somebody left, ये रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा लाइक आपको लग रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले थे, पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या यूँ कह लीजिए किसी चीज़ की वजह से, वो सिचुएशन उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, राइट? अगेन, सो मे भी हो सकता है अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में कोई हो सकता है, लाइक कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, आप लोग किसी वजह से मिले हो अपनी लाइफ में। हम लोग अपने लाइफ टाइम में लोगों से मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे कोई ना कोई उनके साथ, जैसे कहते हैं ना, कर्मा कनेक्टेड होते हैं। यस, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लाइक कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यूँ कह लीजिए कोई रेजिस्ट कर रहा है, और कोई दोबारा से इस रिलेशनशिप को से नई दिशा देना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, या यूँ कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए आप चुप हैं, या यू आर टेकिंग टाइम। कोई यहाँ टाइम ले रहा है, कोई यहाँ साइलेंट है, और वी हैव 777, हो सकता है कि आप ये नंबर बहुत देखते हो, या ये मैटर करता हो आपको ये नंबर, या दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, एंड मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट चीज़ें सम हाउ आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग। बहुत थर्ड पार्टी की वजह से मुझे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा है, और हो सकता है कि कोई यहाँ पे स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई इनर वर्क कर रहा हो, सो दैट चीज़ें दोबारा से सॉर्ट आउट हो जाएं। बहुत सारी स्टोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करें अगर आपके करियर की, फॉर ऑल द वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप कुछ ग्रो करना चाहते हैं, आप इस टाइम क्रॉस रोड्स पे हैं अपनी लाइफ पे, आपको समझ नहीं आ रही, राइट? और आपको लग रहा है कि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि होपलेस फील कर रहे हैं। कोई हो सकता है कोई बिजनेस हो, या हो सकता है कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपके मुताबिक काम ना कर रहा हो, लेकिन आप प्रे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक हो जाएं, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बर्डनड भी हैं। और किसी के साथ मिलके कुछ, आप शायद हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई काम किया हो, या आप करने की सोच रहे हैं, सो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है उसमें। लाइक आपने, हो सकता है आपको लगा हो कि मैंने तो एफर्ट्स बहुत डाले हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, सो उस
स्थिति में आपको मैं यही कहूँगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. देन यस, पीस एंड हार्मनी, एवरीथिंग हैज़ लाइक, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको देख के चलने चाहिए. अगैन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम जॉब हो सकती है या कोई बिजनेस हो सकता है, वट एवर, लेकिन देयर इज़ लाइक, आपको टाइम लेने की ज़रूरत है या आप टाइम ले रहे हैं, बिकॉज मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है. या यूँ कह लीजिए कि आप टाइम ले रहे हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट आप दोबारा से बिगिन कर सकें, राइट? और आप सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं एंड यू आर लाइक फाइट, मतलब अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ और मैं आगे बढ़ने वाला हूँ या बढ़ने वाली हूँ, और आप हार्डवर्क करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है. और ये जो हार्डवर्क है ये आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, नई नई बिगनिंग लेके आएगा. एंड येस, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, राइट? वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स और वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ट्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट नॉट लिमिटिंग, अपने आप को लिमिट में मत रखिए. ये जो अपनी कन्फ्लिक्ट, जो माइंड में कन्फ्लिक्ट है, आप उसको बिल्कुल वैनिश कर दीजिए और डिटरमाइंड रहिए कि यस, मैं हार्डवर्क करूँगा, मैं मूव ऑन करूँगा अपने करियर में एंड आई विल मेक इट. हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसी ना हो, हो सकता है आप बर्डन हो किसी चीज़ को लेके, या समबडी वॉक्ड अवे, या पार्टनरशिप में कोई कुछ चीज़ हो रही हो उन्नीस इक्कीस. सो डोंट वरी, राइट? आगे चल के लाइक आप डिटरमाइंड रहिए. एंड कुछ भी अगर आप करते हैं सो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें. हर चीज़ का एक सही वक्त होता है. और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि सोच समझ के, हर चीज़ को देख के, पहचान के तभी आगे बढ़िए. सो इसीलिए कह रही हूँ कि टेकिंग टाइम विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और स्लो एंड स्टडी, जिसे कहते हैं ना, विंस द रेस. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल फ्रॉम अवर एंजल्स? टू ऑफ कप्स, यस. फ्रेंडलीनेस, टू ऑफ पेंटिकल्स. वरी, बहुत ज़्यादा मुझे वरी दिखाई दे रही है. सो इस टाइम आपको क्या हेल्प करेगा, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपके करियर है. टेन ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि टेन इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कम्प्लीशन. सो ये जो आप अपने अंदर पाइल अप कर रहे हैं जो चीज़ें, या यूँ कह लीजिए टेंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए बर्दाश्त भी कहूँगी, या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, आप एक, जैसे कहते हैं ना, एक बकेट आप भरते जा रहे हैं, कुआँ है वो भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, राइट? सो इस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है. और अपने आप से कनेक्ट करिए. फोर, टर्निंग इन, इसका क्या मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है. येस, अगेन कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब भी सेम हुई है कि जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो आपको बर्डन दे रही हैं, हर चीज़ का एक एंड होता है. अगेन वी हैव टू टू, सो हो सकता है ये नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो. यस, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अगेन टू टू टू, लाइक अपने अपने जो पाथ है उसको फॉलो कीजिए. अगर आपको रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या यूँ कह लिए आप कह लीजिए कि आप जगल कर रहे हैं, सो स्टॉप वरिंग, स्टॉप वरिंग. उस चीज़ को छोड़ दें और अपनी एनर्जी को बर्डन 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 ऑलवेज रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेके. सो इट विल हेल्प यू रियली. अगर आप मेडिटेट करेंगे और आप अपने आप पे फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ये जो चीज़ें हैं, राइट, अगर हम मान लीजिए अगर एक्स वाई जेड, अगर आउटसाइड वर्ल्ड है, राइट, वो उसमें बहुत ज़्यादा फस चल रही है, फस क्रिएट हो रही है, यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ताम झाम है, लड़ाई है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो उस स्थिति में आपके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस है, वो है ये कि बैलेंस योर सेल्फ. उस टाइम पे आपके लिए यही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, टर्न इन. व्हेन यू कांट गो आउट, गो इन. आपने एक फ्रेज सुना होगा, और वैसे भी ये एक पीरियड है सबके लिए, हम सबके लिए. आपको क्या सीख मिल रही है? हम बाहर अगर नहीं जा सकते, राइट, कि प्रकृति का कुछ ये नियम है, कुछ ऐसा चल रहा है, राइट, हो सकता है कि हमने धरती माता को शायद कोई नुकसान पहुँचाया हो और वो हमसे नाराज़ हो गई हो, और ये सब जो चल रहा है, तो उसमें स्थिति में आपको यही सीखना चाहिए कि शायद
जो आपको नेचर आपको जहाँ लेके जा रही है उस तरफ कनेक्ट कीजिए। बाहर लोगों से अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट कीजिए, राइट। सो ये सब आपकी रीडिंग देख के मुझे लगा, तो आई थॉट कि आई शुड टेल यू बिकॉज एवरीथिंग इज़ विद इन, राइट। यूनिवर्स इज इनसाइड अस, तो हमें अपने आप से कनेक्ट करना है, तभी हम बाहर कनेक्ट कर पाएंगे और तभी हम अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाएंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।